This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content.

34,775 का 2208 प्लस पे गई मार्केट फिर नीचे आ गई प्लस 70 पे आई और माशाल्लाह अभी 269 प्लस पे खड़ी है और 34,837 का लेवल नियरिंग 35 आ, मुझे अच्छी तरह याद है कि 34 के लेवल पे हमने पांच दफ़ा मिठाई खाई जलेबी सीलम हम खाते की याद रहे तो लो कह रहे जी थर्टी फाइव आ जाएगा थर्टी फाइव आएगा ज़रूर लेकिन उसके बाद वो कम से कम पांच दफ़ा नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा इसको कंसोलिडेशन प्रोसेस कहते हैं इसमें यह होता है कि जो मजबूत दिल के लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो तो होल्ड करके बैठ जाते हैं लेकिन छोटे मोटे लोग जो शॉर्ट टर्म एम रखते हैं दो चार रुपये कमाने का जिनकी औकात होती है वो बेच के निकलते हैं फिर आते हैं फिर बेचते हैं तो ये सिलसिला चलता जाता है फिर एक लेवल पे कॉन्सोलीट होती मार्केट फिर आगे बढ़ती है आइए एक लाइव कॉल से बात करें जनाब अभी बुला हूं वाली से। अभी बुला शो वाली। आपका प्रोग्राम देख बड़ा मजा आता है इसका उसका हम तो हैं। अजर शुक्रे शुक्रे आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं और कुछ नहीं अजर चाहिए। मैंने आज पचास हजार रूपए भेजे जहाँ मेरा अकाउंट है लाहौर में क्या बात पचास हजार भेजे ऑनलाइन किए में तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मैं कौन से शेयर लू मशवरा कर ज़रूर ज़रूर सर मैं देखिए रोज़ाना जो 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 शेयर सबसे ज़्यादा बिकते हैं जिनको वॉल्यूम लीडर कहा जाता है जिसको आप जाके कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं अभी चल रहा है ये सिलसिला ताकि मैं ये कोई ये ना कह दे कि मैंने अपने तरफ़ से कोई शेयर्स का कह दिया उसी में से मैं नाम लेता रहता हूँ जो अच्छे हैं तो आप ज़रा सा उस पर गौर कीजिएगा अभी मैं थोड़ी बात नाम लेना शुरू करूँगा उसको नोट कर लें और उसको लेना शुरू कर दें और इन अल्लाह करेगा आपको पचास आपका बहुत जल्द बढ़ेगा स्लोली बढ़ेगा और ज़्यादा लालच ना कीजिएगा बीस पच्चीस फ़ीसद की तमन्ना करें वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त जीरो माइनस भी मिल रहा है आपके रिटर्न यहाँ भी डिपॉज़िट पर रखेंगे तो चार परसेंट ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा अब वो सूद भी होगा जबकि ये बिल्कुल इस्लामी है क्योंकि आप एक ख़तरा ले रहे हैं एक कंपनी के शरिकत दार बन रहे हैं वो कंपनी अच्छा भी कर सकती है बुरा भी कर सकती है दुनिया के हालात के मुताबिक होता है वहाँ आपके पचास हज़ार से कुछ बच्चों की जो नौकरी लग जाएगी कुछ घर में गुरबत कम हो जाएगी ये सा, सारे फैक्टर्स हैं इन सब को नजर रखेंगे और उस कंपनी को जिसको खरीदेंगे वो अपना कंपनी समझेंगे तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी अपनी कंपनी है अपना मुल्क है अपने बच्चे हैं थोड़ा सा नुकसान हो गया तो हुआ करें क्या कौन लेके जाता है दौलत मुल्क से दुनिया से सब तो छोड़ के जाना ही है जाते जाते बच्चों का कुछ भला कर गए मुल्क का भला कर गए तो बहुत अच्छी बात है अल्लाह उसका जजा भी देगा आइए एक लाइफ कॉल से बात करें हेलो तारिक खान साहब साहब जी जी संदीप एंग्रो फर्टिलाइजर से बात कर रहा हूँ वेलकम टू दशो साहब ये जो, जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं ये अपने प्रॉफिट घर से क्यों नहीं देती जब उसके बाद शेयर से पैसे काट लेते हैं अच्छा अच्छा वो, वो, अपना प्रॉफिट कहाँ कर लेती है? अपने पास खा जाती हैं <laughs> नहीं ऐसा नहीं है साहब देखिए आपको जो डिविडेंड मिलता है उस पर जक़ात लगा होता है तो जक़ात कट जाता है बाकी जक़ात के बाद आपको डिविडेंड मिल जाता है कंपनी तो पूरा देखिए यहाँ पर डबल डबल टैक्सेशन चल रहा है कंपनियाँ जितनी हैं इस वक्त बाईस बत्तीस तैतीस फीसद टैक्स देती हैं उसके बाद जो बचता है वो प्रॉफिट डिक्लेयर होता है प्रॉफिट आप क्योंकि आप मालिकान में से हैं तो मालिकों को बराबरी से मिलता है लेकिन गवर्नमेंट फिर उसके ऊपर जक़ात टैक्स जक़ात भी लगा देती है इस तरह से डबल टैक्सेशन होता है अब कंपनी आपकी तरफ़ से जक़ात तो नहीं दे सकती वो तो आपका ज़ाती मामला है गवर्नमेंट का आपका नाजिल आज की जो बड़ी ख़बर वो ये है कि आज महंगाई जो है सोलह महीने के ज़्यादा लेवल पर आ गई है और ये रीच कर गई जनाब फोर पॉइंट टू परसेंट इन अप्रैल ये पहले तीन परसेंट वाला पे थी तो ये बड़ा बहुत बड़ी इंक्रीज़ है और इसमें बता रहे हैं कि आ, जो चीज़ों में इजाफ़ा हुआ है वो आ, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है कमोडिटी uh, e की जो कीमतें हैं सब में इजाफ़ा हो रहा है एक तो ये रमज़ान का भी फैक्टर है और दूसरे प्रॉफिट टेकिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है आपको पता है कि यहाँ पे तकरीबन हर चीज़ जो है उस पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है और इसलिए भी इन्फ्लेशन है कोई रोकने वाला नहीं कोई चेक करने वाला नहीं है गवर्नमेंट आवाम का बिल्कुल ख्याल नहीं करती वो भी इन लूटने वालों में शामिल हो जाती है कहते लूटो लेकिन हमें बांट के उसमें से हिस्सा दो चाहे वो तेल हो चाहे वो गैस हो चाहे चीनी हो चाहे आटा हो चाहे यूरिया हो चाहे गाड़ी हो चाहे स्टील हो चाहे सीमेंट हो सब में डबल डबल प्रॉफिट किया जा रहा है और उस सब का हिस्सा सब ऊपर से नीचे तक मिल रहा है इस मुल्क में ये कहा जाता है कि करप्शन करो लेकिन आधा अपने पास रखो आधा सबको बांट दो जो पकड़ने वाला है एक अदारा है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको इस हुकूमत ने कुछ ऐसे एक आदमी खातून का हेड बना दिया कि वो सो गया उसको नज़र ही नहीं आ रहा कि सीमेंट की कीमत साढ़े तीन सौ के बजाय पाँच सौ है लोहे की कीमत में दुनिया भर में तीस चालीस फ़ीसद की कमी आई यहाँ कोई कमी नहीं आई यूरिया आठ सौ नौ सौ रुपये की बोरी बाहर मिलती है यहाँ बारह सौ की बिकती है कोई पूछने वाला नहीं है लूटो और पनामा के अकाउंट्स को भर दो दिस इज़ द मोटिव ऑफ द रूलिंग क्लास के वर्ल्ड बैंक ने जनाब एक बिलियन का लोन uh, uh, पाकिस्तान के लिए अप्रूव कर दिया टू सपोर्ट पाकिस्तानी इकनॉमिक रिफॉर्म्स ये जो चेंजेस आती रहती हैं उसके लिए उन्होंने ये पैसे दिए हैं अब देखिए कौन सा इकनॉमिक रिफॉर्म इसके बदले में आता है ऑयल प्राइस स्टार्ट वीक ऑन लो आफ्टर रीसेंट रैली मंडे से ऑयल प्राइज सॉफ्ट हो गई हैं उसके क्योंकि वजह से इराक ने जो अपनी प्रोडक्शन है काफ़ी बढ़ा दी है तो उससे एक ग्लट की फियर पैदा हो रही है ईरान भी पुश कर रहा है इराक भी पुश कर रहा है तो कोई रोक तो रहा नहीं है तो अब तेल की कीमत सँभले कैसे सवाल यह पैदा होता है आइए क्लेब का उससे बात करें हेलो हेलो साहब कर रहा हूं मियाँ वाले से जी हबीन तो ड्रॉप हो गई थी मैंने कि कौन से शेयर खरीदूँ सर मैं अभी बताऊँगा आपको लीजिएगा आप और कोशिश करें कि रोज़ाना मेरे शो सुने हर रोज़ दो चार शेयर्स का नाम लेता रहता हूँ वैसे जो मुझे जहन में अभी है उसमें आपको मैं कहता हूँ कि आप पाकिस्तान रिफाइनरी ले लें और पाकिस्तान ये क्या कहते हैं फौजी फर्टिलाइज़र बिन एफ एफ बी एल ले लें इन दोनों में तब्दीलियाँ आ रही हैं इसी तरह आप सिंगर ले लें इसी तरह आप ये पाक इलेक्ट्रॉन ले लें ये सब में तब्दीलियाँ आ रही हैं आगे बढ़ रही है कंपनियाँ आप हबको को ले लें कप को ले लें इसके अलावा आप स्विश और सीन स्� और को ज़रूर ले लें और मेरी तरफ से ऑयल एंड गैस को भी ले लें सीमेंट uh, दो चार को ले लें फौजी सीमेंट ले लें पावर सीमेंट को ले लें ये सब शेयर्स इस आज लिस्टेड हैं मैं अपनी तरफ से नहीं बोला मेपर लिप सीमेंट ले लें माशा आपका बहुत चॉइस है आ, आ, आप इंटरनेशनल बर्क टर्मिनल ले लें पाइनियर सीमेंट ले लें ले, ये सब शेयर्स अच्छे हैं और लेके अगर आप इसको अपनी कंपनी समझ के अपने मुल्क की कंपनी समझ के आराम से बैठेंगे बहुत बरकत होगी अगर किसी दलाल के कहने पे बेचने ख़रीदने के चक्कर में पड़ गए वो आपको ज़रूर आके बोलेगा कि ये क्या हबीबुल्ला साहब आप क्या बीस पच्चीस परसेंट और क्या तारिक ख़ान की बात सुन रहे हैं ये तो बेवकूफ़ पठान है आ, इसकी बात ना सुने मेरी बात सुने मैं बड़ा जीनियस आदमी हूँ आपको मैं दो सौ फ़ीसद कमा के दूँगा आपका पाँच हज़ार जो है देखते देखते दो लाख हो जाएगा तो आप उसकी बातों में ना आइएगा आप मुझे मुझ पर भरोसा करें मैं आपसे एक पैसा नहीं लेता किसी से आज तक एक धेला मैंने नहीं लिया है इन मशवरों के बदले में लोगों ने मेरा बाजार बाज़ार में मजाक उड़ाया एटी एट से लेके बहुत सालों तक जब मैं अबू धाबी में हर जगह लोगों से कहता था कि प्लीज़ अपने मुल्क में लगाओ कहीं और ना लगाओ ये जुल्म है तुम्हारे मुल्क में बड़ी गुर्बत है तुम्हारे मुल्क में बड़ा इफ्लास है अपने भाई बंदों पर पैसा लगाओ जाके कनाडा में अमेरिका में ना लगाओ तो लोग कहते थे हमारे एक लाख से क्या होगा मैंने कहा कतरे कतरे दरिया बनता है जो कुछ है लगा दो अल्लाह भला करेगा इन शाह हमारा मुल्क ऊपर चला जाएगा हमारे यहाँ कोई गुरबत वुरबत नहीं रहेगी इन द मीन टाइम आपको अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट करना, करना है अपनी कंपनीज को सपोर्ट करना है मजाक उड़ाते गए लोग और मैं मशवरा देता रहा पागलों की तरह और आज जिसने मेरा मशवरा सुना आज बहुत खुशहाल है ऐश कर रहा है और जिसने नहीं सुना आज जाके उसको आप देख लीजिए कैनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह में मजदूरी कर रहा है आई कई से बात करें हेलो हेलो जनाब और जो ख़बर आज की है बहुत एक बहुत इंटरेस्टिंग ख़बर है इकनॉमिक स्टूडेंट के तौर पे एक बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ हुई है जापान में जापान के जो बैंक ऑफ जापान है उसने नोट छापना शुरू किया इस उम्मीद पे कि उससे महंगाई होगी उस उम्मीद से कि लोगों की कंजम्पशन बढ़ेगी मीशत तेज़ चलेगी लेकिन बैंक ऑफ़ जापान ने आज कहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है नोट छापने का क्योंकि आवाम तो सुनी नहीं रही लोग सुनी ही नहीं रहे लोग कैसे सुने लोग बूढ़े हो चुके हैं वहाँ के कोई अस्सी साल का है नब्बे साल का उसको क्या अब पैसा उसको दो जितना भी उसके पास पैसा हो उसकी तो लिमिटेड लिमिटेड उसकी कंजम्पशन है उसके पैसा तो ज़्यादा दवाई वगैरह में लगता है तो वो वहाँ पर मीषत बैठ रही है तमाम कोशिशें फेल हो गई इसी तरह यूरोप ने स्टिमुलस प्लान किया 1.5 ट्रिलियन यूरो का वहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा मीशत आगे बढ़ी नहीं रही है माइनस नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हो गया है यूरोप में भी और जापान में भी तो ये देखिए ये फ़र्क़ होता है हमारे यहाँ माशाल्लाह इतने बच्चे हैं इतनी गुर्बत है यहाँ तो अभी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है तरक्की की जबकि जापान वाला में नहीं है चाहे वो जितना नोट छाप लें कुछ भी कर लें जीरो इंटरेस्ट कर दें माइनस कर दें लोग लेने ही वाले नहीं हैं तो नहीं लेंगे यहाँ तो हमारे यहाँ बीस बीस परसेंट चालीस चालीस परसेंट पर लोग कर्जा ले कर कारोबार कर रहे हैं बैंक तो देता ही नहीं है आइए क्लाइव कॉल से बात करें तारिक भाई शाहिद बोल रहा वैलम साहब मैं ये कह रहा था कि ये अब तो मार्केट माशाल्लाह इतने पॉइंट्स बढ़ गए लेकिन ये छोटे छोटे शेयर से चलते नहीं तो फिर ये अपना मैकेनिज्म को ऐसी बनानी चाहिए कि इन शेयरों से मखल में स्टार्ट का जो पेवन लगा हुआ है धान छुड़ा है इस स्टॉक और इनकी फेस वैल्यू को फिक्स कर करा के इनको पैसे दिलवाए पब्लिक को ताकि ये शेयर जो है ना ये हटे ही से और अच्छे शेयरों में बंदा काम करे और मार्केट में भी ये जो छोटे छोटे शेयर है चार चार पांच पांच तीन तीन दो दो रुपए जो हो गए हैं तो धान छोटे लोगों की और पैसे उनको निकले ताकि फिर वो भी बड़े काम करें शेयरों में क्योंकि ये तो चलेंगे नहीं मुझे लगता सारी है सारी जिंदगी और कंपनी मालकान इससे काम ही ना हो क्योंकि वो माल तो तो चिपका चुके पब्लिक को जरा जरा इसके बारे में कोई बताइए कि क्या होना चाहिए देखिए वैसे तो इसका दुनिया भर में नेचुरल प्रोसेस है जब ये एक रुपए का होगा तो सस्पेंड हो जाएगा कारोबार बंद हो जाएगा और इसकी लिक्विडिटी एकदम ड्राई अप कर जाएगी लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो एक एक डेढ़ डेढ़ रुपये की कंपनीज है जैसे नफीसा दादा हमारी एक बहुत अच्छी कॉलर है बहुत समझदार खातून है उन्हें कहा ये वेंटिलेटर्स पे हैं ये कंपनी अब एक कंपनी वेंटिलेटर पे उससे है उससे आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि आदमी कल वेंटिलेटर को खोलेगा बाहर निकलेगा दौड़ना शुरू कर देगा और दुनिया का बड़ा रेस करने वाला चैम्पियन बन जाएगा ऐसा नहीं होता तो कोई अगर प्रोसेस ऐसा हो कि इनको निकाला जाए तो बिल्कुल अच्छी बात है लेकिन जो हमारे कंपनीज लॉज वगैरह हैं पूरे दुनिया के उसमें इसकी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है आप इनको थ्रो नहीं कर सकते ये कह सकते कि जी हम अपने रिवाइवल के लिए कुछ नया कुछ कर रहे हैं नए कैपिटल डालने वाले हैं कोई नया लाइन बदलने वाले हैं बाज़ दफ़ा ये कारोबार फेल हो जाता है ज़्यादा नहीं चल पाता तो वो लोग तब्दील करते हैं अपना रास्ता तो कहीं वहाँ पर तब्दीली आ जाती है तो आपकी बात सही है ये छोटे छोटे कंपनीज़ में आ, कोई दम नहीं है हम जो शो में मशवरा देते रहते हैं लोगों को इन कंपनियों से दूर रहें दलालों के कहने पर ना आएँ कि इनके अंदर बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है अभी आपने रिसेंटली देखा एन बैंक नफीसा दादा ने बताया कि लोगों ने उनको फ़ोन किया कि इस्लामाबाद से ख़बर आई है कि आप लोग ले लो और लाखों की तादाद में ले लो क्योंकि अभी एक दो दो रुपये का शेयर ही अभी पाँच दस रुपये का होने वाला है और बहुत सारे लोगों ने हमारे मशरा अगेंस्ट जाके ख़रीदा और बड़ी तरह बुरी तरह पीटे कि वापस वो अभी वो एक वन पॉइंट खड़ा है तो शाहिद साहब के बड़े अच्छे मशवरे होते हैं

ये आप जरा चेक करें क्योंकि हम जब भी ऑफिस में लॉग इन करते हैं तो आपका चैनल ही ऑफलाइन आ रहा है तो आपका प्रोग्राम देख नहीं पाते सर कौन सा दूसरा सर एक मिनट सर मैं बताऊं वो हमारे यहाँ वो हमने जो अभी प्रोवाइडर बनाया है नया शायद उसको आप सूचना कर रहे हो कहीं और कर रहे हो अभी जो हमारा लाइव चल रहा है स्ट्रीमिंग हो रही है उसका नाम है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बिजनेस प्लस टी वी डॉट पी के

कंपनियाँ uh, आई हैं पावर बनाने वाली उनमें uh, वो इतनी एक्टिविटी उसके अंदर तो होती नहीं है अभी वो नया नया पावर प्लांट है गवर्नमेंट से डील है उसके तहत वो बना बना के उनको दे रहे हैं और वो आपको डिविडेंड ही देंगे इनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद ना कीजिएगा क्योंकि ये आमतौर से मल्टीपल ऑफ टू या थ्री पे आकर रुक जाती हैं उसके बाद जो कमा रही होती हैं वो देती चली जाती हैं एज ए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड सेफ़ पावर से अपने उम्मीद ना छोड़िएगा इस गुड कंपनी रिसेंट कंपनी उसको अभी भी कोई कैश फ्लो वगैरह का मसला नहीं है इसी तरह एंग्रो जैन और जितने नई नई कंपनियाँ आई हैं सब बीस तीस रुपये के शेयर्स हैं लेकिन दीज आर किचन शेयर्स विच विल कंटिन्यूसली गिव यू डिविडेंड जैसे कि हपको देता है कैपको देता है तो uh, आप इसको होल्ड कीजिएगा सर आइए कॉल से बात करें जनाब सलीम बात कर रहा था जी कराची से सर साहब वेलकम शो हाँ फर्स्ट टाइम आपको फोन किया सर मैं जो है वो अड़तीस साल गुजारे हैं मुस्लिम कमर्शियल बैंक में अच्छा जी और अब रिटायर्ड हो गया कोई दो साल हुए हैं तो मैंने तो वो पैसे जो है वो मुझे मिले थे कुछ तो मैंने वो बेहबूद में रख दिए साठ साल क्रॉस कर दिया कुछ जो है वो पैसे जो है वो मैंने रखे हैं वो एम सी बी आरिफ अबीब जो म्यूचुअल फंड है ठीक है तो पिछले दफा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था कोई 28 परसेंट दिया था पिछले साल जी लेकिन इस साल जो है वो प्रॉफिट इनका कम हो गया है तो अब सर मैं... ये कोई इसमें घबराने की बात नहीं है 2015 जो था हमारा बहुत बुरा साल गुजरा 2012 से लेके 14 तक हमने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया ये 28 तो आपको कम मिला मार्केट ने तो फोर्टी से भी ज़्यादा दिया रिटर्न लेकिन पिछले साल दो में ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न था इसीलिए आपका रिटर्न कम आया है और लेकिन इन शाला दो में ये कवर हो जाएगा यहाँ पर लूँगा एक छोटी सी ब्रेक वेलकम बैक टू टिप्स नाजिन कल की जो मार्केट 151 फिफ्टी पॉइंट उसमें गोरों का हाथ नहीं था गोरों ने तो इनफैक्ट 4.4 मिलियन के शेयर ख़रीदे बेचा आप लोगों ने 2.1 पॉइंट uh, वन और कल जो था बेसिकली तेल की कीमत घटने की वजह से ऑयल सेक्टर प्रेशर में आया ऑयल कंपनीज़ के शेयर नीचे आए और साथ साथ हमने देखा कि फर्टिलाइजर हालाँकि उसके टैरिफ कम की गई फिर भी वो आ, वो नी, 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 नीचे आया आ, तो साथ साथ हमने देखा कि बैंक में भी काफ़ी सेलिंग आई आ, बैंक की सेलिंग का ताल्लुक हो सकता है कि इन्फ्लेशन रेट्स हो जो कि अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा आ गया फोर पॉइंट टू का बहरहाल कल की मार्केट गिरी और आज माशाल्लाह उसने हमें कवर कर लिया हमने आ, वेरी गुड लेवल्स पे आ गई है मार्केट और लेट्स सी कि कब पैंतीस आता है पैंतीस आएगा और यह बात पहले से बता दूँ कि चार दफ़ा गिरेगा पाँच दफ़ा गिरेगा फिर जाके थर्टी फाइव पर इस्टेबलाइज होगा फिर थर्टी सिक्स की तरफ रवानगी होगी ऑल टाइम हाई की तरफ uh, आइए तो बात करें। वालेकुम अस्सलाम हाजी साहब क्या ठीक है जी मैं ठीक हूँ हाजी साहब ताकि महंगाई का बम तो गिर गया हमारे ऊपर जी आप बताए कि आप क्या समझते हैं कि ये महंगाई का जो बम है ये हमारे पर कायम रहेगा मजीद में इजाफा होगा नंबर दो जैसा कि कल रात को मैंने ब्लूमबर्ग पे देखा था जी जी कि उन्होंने ये कहा कि एंड ऑफ दिस ईयर ऑयल प्राइस बी गो एट ऑयलोटी डॉलर और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा दिया उन्होंने जी जी अब ये वर्ल्ड में ऑयल की प्राइस सिक्सटी डॉलर भी हो जाती है जबकि आज फोर्टी फाइव डॉलर रहे तो इससे हमारी इंडस्ट्री के ऊपर क्या इसका असर आएंगे इसके नेगेटिव तो आएंगे वो तो मुझे भी पता लग रहा है कि नेगेटिव आएंगे मगर नेगेटिव आएगी ने तो कितना परसेंटेज दे आएगा देखिए जितना परसेंट बढ़ जाएगा उतना ही हमारे लिए है मैं तो सुबह की नमाज़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तेल की कीमत 20 डॉलर कर दे आज से नहीं बहुत ज़माने से कर रहा हूँ जब तेल का तेल के पैसे से तनख्वाह मिलती थी तब भी करता था क्योंकि अपने मुल्क के लिए यही फ़ायदेमंद है जितना तेल सस्ता रहे तेल में अभी आपने देखा कि काफ़ी उठता ऊपर नीचे होता रहता है एक दिन खबर अच्छी आती है एक दिन एक दिन ख़बर आती है बढ़ने वाली एक दिन का आती है घटने वाली आज खबर यह है कि इराक़ ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी है ईरान भी प्रोडक्शन बढ़ा रहा है तो ग्लट पैदा हो रहा है तो अब जो लोग बात करें ज़्यादातर एनालिस्ट का ख्याल है कि ये फिफ्टी के इर्द गिर्द रहेगा यानी कभी फोर्टी फाइव हो जाएगा कभी फिफ्टी फाइव हो जाएगा सिक्सटी बड़ा मुश्किल है नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में होगा और इस लेवल पे भी रहे तो हमारा गुजारा है आ, लेकिन हमारी कोई ख्वाहिश तो ये होगी कि आ, तेल नीचे ही रहे है जहाँ तक महंगाई के बम का सवाल है देखिए ऑलरेडी मैं उन्नीस आइटम का नाम लेता हूँ लिंकडिन पे लिखा पूरी दुनिया से उसकी पजीराई हुई पाकिस्तानियों ने तो ना पढ़ा ना उस पर कोई जवाब दिया एक आर्टिकल लिखा मैंने क्या सी कमेंट फ्राम ऑल थिंकिंग पाकिस्तानीज़ किसी पाकिस्तानी ने उस पर जवाब ही नहीं दिया अब मैं क्या करूँ कैसे लोगों को अप्रोच करूँ कि ये पूछना चाहता हूँ बार बार क्या आप ये बताइए मैंने उस पर एक सवाल ये भी किया था जो कि उस पर अब क्लेरिफिकेशन आ रही है कि सी जो है वो लाहौर में 41.59 का क्यों है यहाँ 67.5 का क्यों है इसी तरह चीनी पूरी दुनिया में 37 की बिक रही है यहाँ चौंसठ की क्यों बिक रही है गंदुम दुनिया भर में बाईस रुपये हमारा जो हारी है मजदूर है वो अभी जो पंजाब में इतना बड़ा बंपर क्रॉप हुआ है ट्वेंटी का वो तो रोड पर ला के बीस बाईस रुपये का गंदुम बेच रहा है और यहाँ पचास रुपये का आटा क्यों बिक रहा है जब ये सीज़न है जब इतना अफरात हो गया है गंदम का तो आटे की कीमत तो तेईस चौबीस रुपये हो जानी चाहिए ठीक है जब आ, 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 अगले मार्च आएगा जब गंदम ख़त्म हो जाएगा उस वक्त अगर बढ़ जाए तो आई डोंट माइंड तो ये चीज़ें तो हैं यहाँ पे जो महंगाई है उसके दो कंपोनेंट है अट्ठाईस रुपये का तेल है चौसठ रुपये में बिकता है बाकी सारा टैक्स है अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हम पर बड़ी मेहरबानी की दो रुपये टैक्स कम कर दिया तो बढ़ बढ़ा नहीं नहीं तो अभी 66 का हो जाता पेट्रोल तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 28 और चौंसठ के बीच में जो है वो सब टैक्स है इसी तरह दुनिया भर में गैस इतना सस्ता हो गया है कि यहाँ पे सी जो है वो बारह रुपये का मिलना चाहिए फर्टिलाइज़र छः सौ बोरी मिलनी चाहिए अगर आप इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गैस को देखें लेकिन यह ऐसा नहीं होता यहाँ सब मिल के पैसा कमा रहे हैं लूट रहे हैं दूसरी तरफ स्टेट बैंक नोट छाप के लूट रहा है हर हाँ तरफ से लूट जारी है और ये इतनी बड़ी लूट है कि पनामा के बैंक पनामा मांग रहे हैं पाकिस्तानी पैसा लेने की उनके गुंजाइश नहीं है आईक क्लाइव का उससे बात करें अब इस्माइल रखमानिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जनाब आपने मैं, लूट लोमचाई भी है पाकिस्तान में लूट की सेल लगी हुई है अच्छा मैं मैं, मैं लीग के बारे में पामा में लीग के बाद में बात करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और, और ये दोनों पार्टी को मिलकर आपस में ये ऐसा करना चाहिए तजिया कार सब तजिया कार सब जो है ना मट्टी में मट्टी में आग आगे बिचा रहे हैं सारे मीडिया वाले खासतौर तो पर डॉक्टर शाहिद मसूद का तो बहुत आग लगा रहा है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये इस, इसको खत्म करें दो आ, आ, दो, दो साल के बाद इलेक्शन ले करवा दें और आइंदा आइंदा जो लीग में जो जो भी इलेक्शन में जाएगा जिसकी भी प्रॉपर्टी बाहर हो उसको इलेक्शन की इजाजत ना हो अगर जिसकी प्रॉपर्टी है वो बेच के इनको चांस दे दो साल में साल भी अपनी प्रॉपर्टी बेच के पाकिस्तान वापस आ जाए तो इलेक्शन में लड़ सकते हैं सब इस अमाम में सब खराब है कोई अच्छा भी नहीं है इसमें मैं यही बात कहना चाहता हूँ मुल्क के फायदेमंद है मुल्क में गड़बड़ करेंगे मुल्क में नुकसानदेह हो जाएगा शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके ख्वाजा साहब बहुत अच्छी बातें करते हैं इसी तरह की बात मेरे एक शो अभी मैंने किया था सिराज कासिम तेली साहब बिजनस मैन ग्रुप के बहुत बड़े बिज़नेस लीडर हैं उन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी चाहिए जिसमें यह कहा जाए कि कोई भी पाकिस्तानी बाहर अकाउंट रखता हुआ पाया गया या कंपनी का मालिक होता हुआ पाया गया तो उसकी सज़ा बिल्कुल जेल है नॉन बेलेबल अरेस्ट कर दिया जाए उसको और पहले तो उसको अंदर बंद कर दिया जाए उसके बाद उससे सवाल जवाब किया जाए और उन्होंने कहा था कि दस दिन का टाइम खाजर साहब कह रहे हैं दो साल का टाइम मैं कहता हूँ दस नहीं भी दो साल भी नहीं आप अभी कानून बनाएं और कहें कि ये अभी मे चल रहा है अगले छः महीने में हर पाकिस्तानी जिसके पास पैसा बाहर है वो फ़ौर अपना पैसा वापस ले आए उस पर लाने के बाद बीस फ़ीसद टैक्स दे दे या पचास फ़ीसद टैक्स ले लें उनसे क्योंकि है तो चोरी का पैसा सबको पता है या टैक्स चोरी का पैसा है या रिश्वत का पैसा है या इस तरह के जो एक्सटॉर्शन जो लोग किडनैपिंग एक्सटॉर्शन से जिन्होंने पैसा कमाया या ड्रग का पैसा है मगर 80 परसेंट पैसा तो बैरोक्रेट्स का है चाहे वो सिविल हो या फौजी जिसने बहुत पैसा कमाया पाकिस्तान में और भेज दिया है और तमाम ऑफ शोर यूनिट्स में तो उनसे कहा जाए कि छः महीने का टाइम है उसके बाद अगर आपका नाम कहीं से भी हमें मिल गया स्विट्ज़रलैंड वालों ने तो कहा है कि आओ भाई मांग लो अपना पैसा वापस आप पनामा से भी मिल गया अभी और भी जगह से आने वाली इन्फॉर्मेशन तो अगर किसी का नाम आ गया तो उसका वही हशर होगा जो एक चोर का होता है उसको सीधा बंद कर दो उसके बाद उससे बात शुरू करो नॉन बेवलेबुल अरेस्ट हो वो अरेस्ट हो जाए उसके बाद उसको कुछ थप्पड़ छप्पड़ मारा जाए और बताया जाए कि आप बताओ कहाँ कहाँ पैसा है कहाँ से चुराया था कैसे कैसे कमाया था कन्फेशनल स्टेटमेंट दे उसके बाद वो पैसे वापस लाए उसका पचास फ़ीसद जब्त कर ले पचास फीसद उसको दे दे और बोले कि आइंदा बाहर नहीं ले जा रहा मुल्क में लगाओ फैक्ट्री वैक्ट्री लगाओ चलो छोड़ दो उसको तो ये करना पड़ेगा इस मुल्क में तो देखते देखते इस मुल्क में तकदीर बदल जाएगी किसी टैक्स लगाना नहीं पड़ेगा मोबाइल के ऊपर टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा पेट्रोल पे टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा सी एन जी पे, पे। टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा यूरिया पे टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा ख़ुरदूनी तेल पे तो ये सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और मुल्क खुशहाल हो जाएगा आइए एक लाइव का सब बात करें बहुत मुश्किल है मैं जब ए बी एन एमरो चला रहा से। तो लेके 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 के बारे हैं पूछना था यहाँ पे मुझे पता चला की यहाँ तो डिपॉजिट लेना एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि जब से गवर्नमेंट इतना ज़्यादा डिपॉजिट स्कीम्स पे पैसे दे रही थी दूसरे बैंक इतना ज़्यादा दे रहे हैं मैं ये एटी से नाइन्टी की बात बता रहा हूँ तो मैंने कहा यार अब ये हमारा तो एक ही ब्रांच है हम कैसे यहाँ पर नेशनल बैंक और एम सी से कम्पीट करें तो मैंने उस जमाने में ये किया था कि 35 मिलियन डॉलर अपने हेड ऑफिस से चार फ़ीद पर कर्ज़ा ले कर ला के यहाँ लगा दिया था तो उस ज़माने में 22 फ़ीसद पर हम कर्ज़ा देते थे चार परसेंट हमने दिया स्टेट बैंक को गारंटी करने के लिए कि जिस रेट पे हम लाएँ उसी रेट पे दो साल बाद हम वापस भी ले जा सकते हैं तो मेरा कॉस्ट पड़ा आठ और वो आठ परसेंट वाला पैसा जो है ना मैंने बाईस पे लगाया और पैसा कमाया दबा के एक दो चार पाँच लाख का प्रॉफिट होता था देखते देखते एक अरब का प्रॉफिट हुआ ये भी एक रिकॉर्ड है कॉरपोरेट हिस्ट्री में ए बी एन एमरो कराची ऑपरेशन तो ये छोटी छोटी बैंकों का ऑपरेट करना पैसा कमाना बहुत मुश्किल है क्योंकि जब वो डिपॉजिट लेते हैं तो बहुत हाई रेट पे लेते हैं और लेंडिंग करने के लिए उनके पास ना स्टाफ होता है ना एबिलिटी होती है तो वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन दिस मार्केट छोटे छोटे बैंकों से आप लोग निकल जाएँ इन सब को मर्ज करके बड़ा बैंक बनाया जाए मेरा तजवीज़ है आइए लाइव कॉल से बात करें हेलो हेलो जी जनाबल जनाब

Yeah. देखिए अरफानी साहब ये तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है अभी भी हम बात यही कर रहे थे कि शाहिद साहब ने कहा कि शायद एक साहब ने कहा कि साठ डॉलर पे चला जाएगा मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि साठ पे जाएगा चालीस पैंतालीस पचपन के बीच में घूमेगा पचास के राउंड घूमेगा ये बहुत बड़ा सवाल है लेकिन आपकी जो ऑयल कंपनीज़ हैं जब ये सत्ताईस डॉलर पर भी आया था तब भी इनकी इन्वेस्टमेंट बुरी नहीं थी क्योंकि वो जो कमा रहे हैं वो उनका जो रेट होता है वो वही रेट होता है जो उनकी प्रो प्रॉफ़िट के बेसिस पे है तो पाकिस्तानी को तो किसी को नुकसान नहीं हुआ है अगर लोअर रेट पे भी उसने लिया है और इन कंपनीज को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सपोर्ट है इन ये कंपनियां हमारे लिए ऑयल और गैस ढूंढती हैं तो इनको मुल्क का सपोर्ट है इनको बंद होने का या इनको बैंक्रप्ट होने के चांसेस नहीं हैं जैसा कि दुनिया भर के और कंपनीज़ को है तो अभी भी लगाया जा सकता है ऑयल एंड गैस सेक्टर में लेकिन मशवरा आपको यही होगा कि अगर आपके पास दस रुपये हैं तो दो रुपये लगाइएगा ऑयल एंड गैस में बाकी आठ रुपये दूसरे कम से कम चार दूसरे सेक्टर्स में लगाइएगा तब आप सेफ रहेंगे आरफानी साहब यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल सर थैंक यू हेलो। हेलोकाम जनाब कराची से मंसूर बोल रहा हूँ मंसूर साहब सही मालूम टाइल्स शबीर टाइल देखिए नून फूड और नून पार्क दोनों अच्छे चल रहे हैं अभी एफ से उन्होंने पार्टनरशिप भी की है फॉर हलाल फूड एंड दे आर ऑन दे ओन आल्सो डूइंग वेरी वेल जहाँ तक शबीर टाइल का सवाल है जनाब इसको सख्त कंपटीशन है चाइनीज़ इंपोर्ट से आ, इसका एक बड़ा शेयर होल्डर मैं एक ज़माने में रहा हूँ जब ये वो कंपनी ऑलमोस्ट तबाह हो गई थी जब हमने रुपये को बासठ पर रोका हुआ था और Uh, हमारी इन्फ्लेशन ने कॉस्ट हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी थी, थी आजकल uh, ऐसा लगता है कि शब्बीर के मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम है अदरवाइज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ बूमिंग ऑल रिलेटेड इंडस्ट्री शुड डू वेल अभी ये आठ टॉ तो रुपये का चल रहा है अगर थोड़ी सी ये मैनेजमेंट मेहनत करे और गवर्नमेंट ज़रा चेक करे ये इम्पोर्टर्स हैं चाइनीज़ uh, टाइल वाला के कि वो ड्यूटी uh, कम ड्यूटी देके कम वैल्यू दिखा के ले आते हैं और हमारी इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं आ, वहाँ पे हो सके तो थोड़ी रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी जाए ताकि हमारी ये इंडस्ट्री सरवाइव करे चाइना क्यों बनाएगा टाइल मट्टी का टाइल मट्टी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है हमारे पास लेबर बहुत सस्ता है तो हम बनाएंगे टाइल चाइना हमसे ख़रीदे बनाए नहीं तो गवर्नमेंट को इस पर कंट्रोल करना चाहिए तो शबी टाइल काफ़ी ऊपर जा सकता है फिलहाल इसकी हालत काफ़ी सालों से बहुत अच्छी नहीं है हाई क्लेब कॉल से बात कर हेलो वाई सला जनाब जी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र जनाब मार्केट बड़ी हुई है okay. सर आवाज okay. आपकी okay. कट कट के आ रही है okay. सर आवाज बहुत खराब आ रही है आपकी कट के आ रही है नजिन प्रोग्राम का बहुत ज्यादा नहीं रहा अब पाँच छह मिनट हैं इसमें मैं चाहता हूं कि ये जो लिस्ट है हमारी आ, इसको जल्दी जल्दी पढ़ के आपको बता दूं कि कौन से किसको पसंद करता हूँ किसको नहीं आज पी टी सी एल एक्स डी आफ्टर डिविडेंड एक्स डी फोटी फोर पैसा बढ़ा हुआ है फोर्टीन पॉइंट फोर टू का हुआ फिफ्टीन पॉइंट एट मिलियन का काम हुआ है ये कंपनी कोई खास नहीं कर रही है इसको मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता कराची इलेक्ट्रिक में भी बारह पैसे का दफा है एट पॉइंट नाइन मिलियन का काम हुआ सेवन पॉइंट वन नाइन का इसको भी मैं खास रिकमेंड नहीं करता इससे दूर है तो बेहतर है बैंक ऑफ पंजाब में चौदह पैसे का लॉस है इससे दूर रहने का मशवरा देता हूँ बाइको पेट्रोलियम में आ, बाइको पेट्रोलियम बीस रुपये का हो गया जनाब फिर से वापस आ गया सेवन पॉइंट सेवन ये इसकी बढ़ावट को मैं ज़रा डाउट करता हूँ इससे दूर रहे तो अच्छा है टीआरजी पाकिस्तान में भी चौदह पैसे का लॉस है थर्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव इसको भी बहुत पसंद नहीं करता आप देखिए शुरू के सब को पसंद नहीं करता ये लोग कहते हैं हर को कहता खरीद लो नहीं दीवान मोटर्स में पच्चीस पैसे का इजाफा इसको ले लें थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ना लें पाँच सौ हज़ार ले लें क्योंकि अगर यहाँ यहाँ पे आ, किसी भी इंटरनेशनल कंपनी से जॉइंट वेंचर हुआ तो ये शेयर बहुत ऊपर जाएगा उसके बाद ऑयल एंड गैस है जिसमें थ्री पॉइंट वन फोर का इजाफा है सिक्स पॉइंट सिक्स मिलियन का काम हुआ अभी जो अरफानी साहब बात कर रहे थे उनसे कहूँगा कि ले लें ऑयल एंड गैस को एट वन थर्टी टू आइए एक लाइव कॉल से बात करें वाई साम जनाब साहब क्या है तो। जी है सर बिल्कुल ठीक हो अल्लाह का शुक्र है तीनों तीक अच्छे है सर आप तो बड़े तीनों नाम आपने अच्छे लिए है तीनों को होल्ड करके रखिएगा ऊपर नीचे होता है मर्द का काम नहीं है कि डरना आप होल्ड करके रखिए आपकी कंपनी है आपका मुल्क है क्या होगा ज्यादा ज्यादा क्या होगा कुछ भी नहीं होगा इनशाला सब अच्छा ही कर रही हैं एफ के बारे में ख़ास तौर से बता दूँ कि ये डैब बनाने वाली कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई किया इनके पास इतना कैश था कि नून वालों को और एक और इंटरनेशनल कंपनी को मिला के वो हलाल फूड की तरफ़ जा रहे हैं जिसकी बेनतहा गुंजाइश है पाकिस्तान में अब तो चाइना हलाल फूड बना के बेच रहा बताइए एक कम्युनिस्ट मुल्क हलाल फूड बना रहा है हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं बना रहे हालाँकि हमारे पास मार्केट भी हम करीब है हर लिहाज से हमें फ़ायदा है तो बहरहाल एफ ने अच्छा इनिशियटिव लिया है अलशरीर ग्रुप ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है हलाल फूड के सिलसिले में तो ये तीनों कंपनी को होल्ड कीजिएगा भाई जरा लिस्ट को कंटिन्यू करते हैं इसके बाद नाम आ रहा है सुई नॉर्दर्न गैस का यहाँ बारह पैसे का फ़िलहाल नुकसान हुआ है आज फाइव मिलियन का काम हाईली रिकमेंडेड जी इसको ले लें इसके बाद जहांगीर सिद्दीकी का नाम है जहां पंद्रह पैसे का इजाफा नॉट रिकमेंडेड एट ऑल पाक इलेक्ट्रॉन में 51 पैसे का इजाफा है 62 हाईली रिकमेंडेड इसको 2000-4000 ले लें दीवान सीमेंट में बीस पैसे का इजाफा इसको पाँच सौ हज़ार ले लें ज़्यादा ना लें क्विज फूड का नाम आ रहा है फोर मिलियन का टर्न ओवर है चौदह पैसा बढ़ा हुआ है इससे बिल्कुल दूर है फौजी सीमेंट एक्सडी डिविडेंड दि, देने के बाद भी सेवेंटी फोर पैसा बढ़ा हुआ है फोर्टी थ्री इसको ज़रूर लें दो हज़ार चार हज़ार ले लें पावर सीमेंट ट्वेंटी नाइन पैसा बढ़ा हुआ ग्यारह रुपये फोर्टी थ्री पैसे का हुआ इसको भी ले लें हज़ार दो हज़ार सितारा प्रोक्साइड में तीन मिलियन का काम हुआ है थर्टी सेवन पैसे का लॉस है इससे दूर रहने का मशवरा देता हूँ डी जे के खान सीमेंट में थ्री रुपीज़ टेन पैसे का इजाफा है टू मिलियन का काम हुआ वन सेवेंटी सेवन का हाईली रिकमेंडेड दो हज़ार तीन हज़ार ले लें इसको नेशनल बैंक में चौदह पैसे का लॉस है फिफ्टी फोर पॉइंट एट फाइव इसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको रेट इसका बहुत कम है इसको दो चार हज़ार ले लें आई क्लेव कॉल से बात करें हेलो कॉल ड्रॉप हो गई नाजिन उसके बाद जो नाम आ रहा है वह है नेशनल बैंक के बाद दोस्त स्टील इसके बाद इसमें एक रुपये का इजाफा है इस पर किसी साहब ने फ़ोन करके बताया था कि लाहौर में कोई बहुत ही बिजी इलाके में इसकी फैक्ट्री है अट्ठारह रुपये का हुआ है अगर ये मेन लाहौर पे इसकी प्रॉपर्टी है और स्टील का, का काम कर रहा है तो इ, दे शुड बी दे, दे शुड डू शु, वेल अनलेस इसकी कोई मैनेजमेंट इशू हो क्योंकि स्टील जो है वो दुनिया भर में 30-40 फ़ीसद कम हो गया पाकिस्तान में नहीं कम हुआ इसका मतलब है उनका प्रॉफिट 30-40 फ़ीसद बढ़ा हुआ है तो आ, आप इसमें अगर लेंगे तो आप आ, आपको भी कमाई में हिस्सेदार बन जाएंगे आप उसके बाद लोटे केमिकल का नाम आ रहा है जनाब वन मिलियन टर्न के साथ चार पैसे कम होके फाइव पॉइंट इससे दूर रहें बेच के निकल जाएँ आपके लिए अच्छा है लोटे ख़ुद बेच के भाग रहा है यहाँ से आ, उसके बाद मैपल अपन सीमेंट का नाम है 1.4 मिलियन का काम हुआ इसमें ये एक रुपये सत्रह पैसा बढ़ा हुआ है और ये नाइन्टी सिक्स का हुआ ये दो तीन हज़ार ले लें बहुत अच्छी कंपनी फला में तेरह पैसे का लॉस है इसको भी ये पाँच सौ हज़ार ले सकते हैं टी पी एल ट्रैकर इससे दूर रहें फौजी फर्टिलाइजर बिन्स को जितना ले सकते हैं ले लें दो चार हज़ार पी आई ए से दूर रहें इसके बाद पी आई का नाम है इंटरनेशनल स्टील को ले लें छत्तीस रुपये का है वन पॉइंट सेवन फाइव यहाँ पर भी, भी आप जितना ले सकते हैं ले लें पाक इंटरनेशनल बर्ग टर्मिनल का नाम आ रहा है नौ 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 लाख का काम हुआ यहाँ पे 27 का हुआ इसको भी ले लें पानी सीमेंट एक्स डी ये भी जितना ले सकते हैं ले लें सिंगर पाकिस्तान एक्स राइट थर्टी राइट होने के बाद शेयर की कीमत घटती है वन घटा हुआ है इसको ले लें ये कंपनी इन पे, पेल के तरह ये भी आगे जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मीडियम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री uh, में नाजिन इसी के साथ प्रोग्राम खत्म खुदा खुदाफिज